सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बोलो संतोष, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। जीके कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर ने कंप्लेन की है सर। जीके ने उसे मारने की धमकी दी है, इसलिए इंजीनियर ने जीके के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। सर, अपने डिपार्टमेंट को अपने पैरों की जूती समझने वाले उस जीके को सबक सिखानी होगी सर। वेरी गुड, जाओ इमीडिएट एक्शन लो, जो भी होगा उसे मैं देख लूंगा। यस सर। जीके जिंदाबाद, जीके जिंदाबाद, जीके जिंदाबाद, जीके जिंदाबाद। शहर के सारे पॉलिटिशियंस और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को कंट्रोल करने वाला मोस्ट पावरफुल एमपी। और ये दो हैं जीके के पार्टनर। जीके के सारे इलीगल बिजनेस के बराबर के हकदार हैं। और ये है जीके का भाई संजय। संजय जीके को अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इस जन्मदिन के मौके पर मैं आपको क्या तोहफा दूंगा पता है? आप सब जैसा चाहते थे वैसा ही मेरा भाई संजय आने वाले चुनाव में खड़ा होने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, सरकार की बेनामी जमीन पर आप इलीगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं सर। मिनिस्टर ने उसे तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया है। आपकी सारी बेनामी प्रॉपर्टीज का कच्चा चिट्ठा उस इंजीनियर ने खोल दिया है और आपके खिलाफ कंप्लेन भी की है। इस मामले की इंक्वायरी के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। नाम क्या है? इंजीनियर सुंदर प्रसाद। तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। रास्ते में छोटा सा काम है, मेरे साथ गाड़ी में आएगा या फॉलो करेगा? आपके साथ ही आऊंगा। मेरे खिलाफ कंप्लेन करने वाला इंजीनियर क्या हुआ? लॉरी वाला मारकर चला गया सर। लॉरी वाला? नाम बोल। संतोष। स्टे देने वाले मिनिस्टर का नाम? अभिराम। गाड़ी में आएगा या फॉलो करेगा? फॉलो करूंगा सर, फॉलो करूंगा। अभिरामी, हमारे साथ ही एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसे इलीगल बताकर आपने स्टे ले लिया है। स्टे अगर आप वापस ले लेंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे। ये जमीन सरकार ने गरीबों के घर के लिए रखी है, ये आपको नहीं मिल सकती। गरीब लोगों के लिए? आप जैसी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर हर जगह बिठा कर रख दिया है। कुछ पूछो तो तुम कौन हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम किसके आदमी हो, ये सब फालतू की बातें करती हैं आप लोग। मुश्किल है, नहीं हो सकता। अभिरामी, 5 मिनट का वक्त देता हूं, अपना स्टे ऑर्डर वापस ले लो। ये मत भूलिए कि आप एक मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। कितनी भी धमकी दीजिए मैं स्टे वापस नहीं लूंगी। तो फिर कल से काम छोड़कर घर पे बैठना और उपमा बनाना। मैं ये सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। टीवी में कितने प्रोग्राम आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, सास बहु, फुल डे टाइम पास। मिनिस्टर अभिरामी हियर। सर एक मिनट सर, लेकिन वो जगह। हेलो सर, मेरी बात तो सुनिए। अभिरामी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अभिरामी शर्मा को उनके पद से निकाल दिया गया है। उनके गैर कानूनी कामों के चलते सरकार ने उन पर ये एक्शन लिया है। सरकार ने अभिरामी के ऊपर इंक्वायरी बैठाने का फैसला भी किया है। जिस इंजीनियर ने कंप्लेंट की थी वो इस दुनिया में नहीं रहा, ना वो मिनिस्टर ही मिनिस्टर है। तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर है।
13 साल का पॉलिटिकल करियर, आज तक किसी भी पुलिस स्टेशन में मैंने कदम नहीं रखा और ना ही कोई पुलिस वाला मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हुआ। मुझे पुलिस स्टेशन में आने को कह रहा था। I hate police. कमिश्नर, मुझे कब अरेस्ट करोगे पता नहीं। सारे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना मुझे बखूबी आता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। हार जीत तो हर खेल में होती ही रहती है। आज तुम्हें मिली है, कल मुझे मिल जाएगी। तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। इसे ऐसे ही मेंटेन रखना। मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में कोई तो एक पुलिस वाला हो जो मेरा सामना कर सके। हमारे देश में बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। ढूंढो किसी को। इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला एक दिन जरूर आएगा। हाय, मिनिस्टर साहब के लिए फोन है। होम मिनिस्टर लाइन पे है, बात करो। हाँ, लाओ लाओ। हेलो शक्ति सिंह, ठीक तो हो ना? मैं ठीक ही हूँ, अपने होटल के रूम में आराम कर रहा हूँ। मुझे किडनैप हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं सर। आप इनके लीडर को जल्दी रिलीज कर दो। मुझे और मेरी बेटी को अब तो यहाँ से बचा लो सर। कोई लैंडमार्क है तो बताओ। लैंडमार्क? ऊपर आसमान, नीचे धरती। लेफ्ट में मेरा निठल्ला पिए, राइट में गन लिए हुए डकैत, और पीछे मेरी बेटी। बेटी खुश तो है ना? लग तो नहीं रही सर। हाँ डैडी। क्या हुआ बेटा? मैं 3 दिन से एक ही साड़ी में बैठी हूँ। तू पागलों की तरह घूमना बंद करेगा? शादी के बाद हनीमून ले जाऊंगा। यहाँ से बचाने वाला कोई नहीं है क्या? एसीपी शिवा एंड टीम फॉरेस्ट में एंटर कर रही है। भाई, पुलिस आ गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तुमने? मैं कहाँ हूँ ये खुद मुझे नहीं पता। ऊपर से ये थर्ड क्लास पीए मुझे मिला है। मैं कैसे? भाई, गाड़ी में कोई नहीं है। डरपोक कहीं के बाहर आ जा, वरना तुम्हारे इस मिनिस्टर को। अगर वो नहीं आ रहा तो मुझे क्यों मार रहे हो? उसको ढूंढो और उसी को मारो ना। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। एसीपी शिवा, नमस्ते। राउंड अप। अच्छा, राउंड अप कर लिया। देखो भाई लोग, अपन निहत्ता है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, क्या बोलते हो? गन्स नीचे डाल दो। तुझे गन चाहिए? बेटा, उन कमीनों को कैसे हवा में उछाल उछाल कर मारा। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आईपीएस पास करने के बाद मुझे यहाँ ड्यूटी पे डाल दिया। ये तो अच्छी बात हुई ना बेटा। तो फिर मेरा ट्रांसफर चेन्नई करवा दी। आसपास फायरिंग चल रही है और तुम अपने ट्रांसफर की बात कर रहे हो। हे, चलो उठो जल्दी, मेरी जान बचाओ पहले। तो आप ट्रांसफर नहीं करवाएंगे? अरे भाड़ में गया तेरा ट्रांसफर। तो फिर तुम भाड़ में जाओ। अरे जल्दी करो। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बचाना चाहते हो या फिर ये चाहते हो कि ये लोग मुझे जान से मार दें? तुम्हें अपनी जान चाहिए और मुझे अपना ट्रांसफर। ये लो, बात करो।
साहब मैं शक्ति सिंह बोल रहा हूँ। ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, इसका जल्दी से चेन्नई ट्रांसफर करवा दीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसफर की कॉपी मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप कर दो। उन टेररिस्ट की डिमांड से ज्यादा तो तेरी डिमांड है। हे दफर, जरा इसमें देखकर तो बताओ कि व्हाट्सएप चालू है या नहीं। सर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें मुझे समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती, जरा उधर देख। सर, व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया। मुझे तो पहले ही पता चल गया था। हाँ तो बेटा, इतनी जल्दी ट्रांसफर लेकर तुम चेन्नई में कौन सा तीर मारने वाले हो? बचपन से मेरे साथ कोई खेल, अब उसके साथ खेलने की बारी मेरी। एक्सक्यूज मी, आपके कमिश्नर को पंक्चुअलिटी का मतलब नहीं पता क्या? उधर देखो। कौन है सुबह से हीरो बन के बैठा हुआ है? कहाँ था? ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करने आए हो? एक हायर ऑफिसर जा रहा है, तुम देखकर खड़े नहीं हो सकते हो? और सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठे हो? हमारे ऊपर पैर रखूं या उनके ऊपर? क्या कहा? दिस इज योर ज्वाइनिंग ऑर्डर। थैंक यू सर। अरे, चेन्नई का मेन एरिया, यहाँ तो बहुत माल मिलेगा। माल कमाने का इतना अच्छा मौका लाइफ में कभी नहीं मिला। क्या बकवास कर रहे हो? इस मेन एरिया में ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं, तो चोर भी बहुत होंगे, उन्हें पकड़ने की बात कर रहा। बकवास बंद करके ड्यूटी अच्छे से करना। जरूर करूंगा सर। सब लोग यही कहेंगे कि हमारी सिटी का बॉस एसीपी शिवा है सर। मेरा मतलब, मैं यहाँ की जनता की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा सर। चलता। थैंक यू। एसीपी का ऑफिस है, मेरी शादी की बारात। सॉरी सर। गेट इन लाइन। इससे पहले कि एसीपी के साथ तुम सब कैसे थे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे से मेरे साथ कैसे रहना है और ड्यूटी पर एक पुलिस वाले को कैसे रहना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। इज दैट क्लियर? यस सर। से इट लाउडली। यस सर। लेट्स टेक द प्लेज। ले लिया सर। लगता है मेरी तरह ही बेईमान है। हाथ उठाकर शपथ लो। यस सर। सर 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 सर, आज से मैं अपने डिपार्टमेंट में सच्चे और ईमानदार तरीके से सबकी सेवा और रक्षा करूंगा। सच्चे और ईमानदार तरीके से सबकी सेवा और रक्षा करूंगा। सिवाय हमारे देशवासियों के। अबे मैं जानता हूँ तुम बेईमान हो। मैं आज से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए कमाऊंगा। मैं आज से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए कमाऊंगा। बिना पेट्रोल डीजल वेस्ट किए, पुलिस चेसिंग ना करके और खुद पर रिस्क ना लेके फाइनेंशियली सेट होकर, बिना पेट्रोल डीजल वेस्ट किए, पुलिस चेसिंग ना करके और खुद पर रिस्क ना लेकर फाइनेंशियली सेट होकर, पैसे कमाने के मामले में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ऐसी हम ऊपर वाले की कसम खाते हैं। अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? कहीं तुम सब सिंसियर पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं हो? नहीं सर, हम सिंसियर ऑफिसर्स नहीं हैं सर। ये तो खुशी के आंसू हैं सर। सच में आप तो हमारे लिए भगवान हैं सर। इससे पहले जो पुलिस ऑफिसर आया था, वो अपनी जेब भरने के अलावा हम जैसे बेचारे मिडिल क्लास पुलिस वालों के बारे में कभी नहीं सोचता था। हमारी उसे कोई चिंता नहीं थी सर। हम सारे लो बजट पुलिस वाले हैं सर, लेकिन आप तो हमारे दिन बदल दोगे सर। सच में देखिए सर, मैं तो खुशी से पागल हुए जा रहा हूँ सर। हम सब तो आपके स्टूडेंट्स हैं सर, आप हमारे लिए टीचर की तरह हैं सर। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे चल, गन दे और उंगली निकाल के नीचे सर, खून भरी मांग। अबे चुप। स्टूडेंट्स नहीं, बुढ़े हो गए हो तुम सब। स्टॉप दिस नॉनसेंस। एब्सोल्युटली सर। हम सब मिलकर कमाएंगे। अब से हम सबका एक ही मंत्र है, अभी नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमा पाएंगे? अभी नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमा पाएंगे? देखो माय डियर बी ग्रेड छोकरों, यहाँ के सारे पॉश एरियाज में हम ही पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं कंफर्टेबली चोरी का। लेकिन उसका 50% मेरे आदमियों को दो। लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करो, फेसबुक, ट्विटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। फेसबुक ट्विटर इस्तेमाल करके मिलेगा का? अबे कैसा उल्लू है तू। लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना कि आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे, मतलब कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, और तब तुम उनके घर पे चोरी कर सकते हो। सो
सोचो किसी मैडम ने पोस्ट किया कि आई एम इन द ज्वेलरी शॉप, मतलब ये कि वो ज्वेलरी खरीदने गई हुई है। बाद में तुम उनके घर जाकर गहने चुरा लो। बढ़िया बात। बाकी के एरिया के चोर तुम्हें देखकर जलने लगे, ऐसी बिंदास चोरी करो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। भाई जानती ऑटो वालों से छुट्टे पैसे मिलेंगे, गाड़ी वालों को रोको यू ब्लडी फूल। हेलो ओए ओए हेलो ओए लड़की, ये खींच कर दूंगा, कब से चिल्ला रहा हूँ सुनाई नहीं देता क्या? सॉरी नाम क्या है? नित्या। नित्या बोलूंगा तो समझ जाओगी। शिवा बाय। क्या सर, वो रियल एस्टेट वाला हम सबको चकमा देके हम सबको गुमराह कर रहा है सर। तो हाय हेलो, आपके ये लैंड ब्रोकर सुजान सिंह का राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। हम सब एक आदमी से तंग आ चुके हैं और वो आदमी है एसीपी शिवा। सेटलमेंट के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करने वाला वो नया एसीपी। ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता, हिम्मत है तो मुझे ले जाकर दिखाओ। अरे बाप रे, चलो भागो यहाँ से। पाताय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन। सर ये गाड़ी कैसी और ये गाना कैसा? पहले तो दोनों गुड बॉयज की तरह उल्टे घूमकर वैन को एक बार अच्छी तरह देख लो। सर 108 वाले एम्बुलेंस को आपने 801 क्यों कर दिया? 108 वाली वैन क्या करती है? पीड़ित आदमी की सहायता करती है सर, पूरे वक्त उनकी रक्षा करती है सर। और उसका ऑपोजिट? सर की बात ना मानने वाले को ये वैन तोड़ कर रख देगा। कंप्लेंट करने वाले लोगों की ही बैंड बजा देंगे। जो ज्यादा बात करेगा उसे इस गाड़ी में बैठा कर उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ कोई ना हो और इतना मारेंगे जितना सोचा। फिर भी आदमी नहीं सुधरा तो प्रोसेस कंटिन्यू। तुम्हारी फालतू की बकवास से हम लोग नहीं डरने वाले। देख भाई, जब पता है दो हिप्पो पीछे खड़े हैं तो कम से कम धमकी देना बंद कर। इमोशनल हो गया था। सर आप पुलिस में तो एसीपी हैं और आप दो नंबर का काम कर रहे हैं। जल्दी से निकल के भाई। थोड़ी देर पहले तो मुझे लेक्चर दे रहे थे ना। सेम इमोशन। अरे एसीपी सर, ये 801 की सेवा शहर में और कहां चल रही है? उस एसीपी शिवा को मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना उसे तो मैं एसीपी को उसके घर से उठवा लूंगा। ये क्या, ये तो खुद ही उठ गया। अगर दारू दिला दूं तो आपने कहा था कि सेरिया के क्राइम्स के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देंगे। एक बार ये अंदर जाएगी ना तो देखो खबर कैसे बाहर आएगी। ओके भाई साहब, चल मोटो जल्दी पी और शुरू कर दे बोलना। थैंक यू ब्रदर। जो हो गया है वो जानना चाहती हैं आप कि जो होने वाला है वो जानना चाहती हैं? अरे वाह, एक की बजाय दो न्यूज, आपकी उम्र लंबी हो। बताइए बताइए जल्दी बताइए, दोनों न्यूज के बारे में बताइए। आज सुबह सुबह एक खूबसूरत लड़की को एक जाने माने गुंडे से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। कौन है वो खूबसूरत लड़की बताइए ना, अभी यहाँ पर है क्या वो गुंडा? नहीं हूँ वो जाना माना गुंडा डार्लिंग, और तुम हो वो लड़की। आ जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? एक और न्यूज़, टीवी कैमरामैन का दिन दहाड़े। क्या रे मोटे, मेरी पिलाई दारू पीकर मुझे से बदतमीजी कर रहा है? दारू पीने से पहले भी बदतमीजी कर रहा था मैडम, समझी? क्या कहा? दारू पिलाई है तो शादी करूंगा ना मैं तुमसे। शादी कर लेगा? हां भाग गया से। जल्दी निकलो यहां से। मैंने सोचा था अच्छे घर का गुंडा है पर ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। तो आपने क्या सोचा था, अब उसे दारू पिलाएंगी तो वो पीछे ही भागेगा ना?
जिस तरह से ये मोटे हमारे पीछे भाग रहे हैं, लग रहा है आज आपकी शादी हो ही जाएगी मैडम। अरे बाप रे, भगवान करे हमारे एसीपी हमेशा खुश रहे। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम लोगों का? सर आप जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और स्कूल जाते वक्त वो बोलते हैं, ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू निकल आते हैं। नहीं सर, आप है की बदौलत मेरी फैमिली लो बजट से हाई बजट बन गई है। पति के लिए i20, भाई के लिए i10, बच्चे के लिए iPad, मेरे लिए iPhone, ऐसा लगता है मेरी पूरी फैमिली आई फैमिली बन गई है सर। सर मैंने भी एक 2 BHK फ्लैट बुक किया है सर, अब एक सुंदर लड़का ढूंढ रहा हूँ, मतलब लड़की ढूंढ रहा हूँ। देखिए ना सर, अब हम सब कितने खुश हैं। अब आप भी एक लड़की देख लीजिए जो आपको थोड़ा लव करेगी। आप भी लव कीजिए और खुश रहिए ना सर। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि सेटल हो जाऊँ, लेकिन भाई लोग उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। सर आपको लड़की मिलना कौन सी बड़ी बात है, अगर आप फ्रेम ऐसा रखोगे तो लड़की आपके पास भागी भागी आएगी सर। सर वेट करने की जरूरत नहीं है, वो आ गई। Help sir, help me. वो देखिए। ए, गोली नहीं खानी तो निकल यहाँ से। तलवार। Thank you sir, thank you. अश्विन, चल। सर, सर, सर। पसंद आ गई क्या? Almost यार। लेकिन first meeting में इतना पता नहीं चला। कैमरा मैन के साथ थे तो वो जरूर प्रेस में होगी सर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। सारे प्रेस वाले आ गए। सारे प्रेस वाले आ गए क्या? वो लड़की कहाँ है? Excuse me सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है? क्रिमिनल को पकड़ा है क्या? या किसी टेररिस्ट को पकड़ा है? रोजाना चोरियां हो रही है। जो लैंड स्कैम हुआ है उसके लिए? स्टूडेंट्स की स्ट्राइक के बारे में? किस लिए बताइए सर? जवाब दीजिए सर। ये दोनों कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। सर अभी कुछ मत कहिए, सारे प्रेस वाले यहाँ बैठे हैं। बताइए सर किस लिए? सुनिए, एक काम कीजिए, सभी जेंट्स पीछे चले जाएं और लेडीज आगे आ जाएं। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? हर जगह पर कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, बस यही कॉन्सेप्ट है। सारे आदमी पीछे चले जाइए और सभी लेडीज लोग आगे आ जाइए। अब बताइए सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है? आप बता दीजिए ना। क्या मतलब? मैं बताता हूँ, आप मीडिया वाले ना दिन रात काम करते हैं, आपको भी तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होगी। क्यों क्यों चाहिए होगी? हमें अपना काम करना आता है, कोई ढंग का कारण हो तो बताइए। डोंट वेस्ट आवर टाइम। यार ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आ गई है। इसके घर वालों से बात करूं सर? डायलॉग मत मार, इसका एड्रेस पता कर। ठीक है सर। सुंदर लग रही हो तुम वैजंती, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बस कीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या पर्सनल कॉन्फ्रेंस? आपको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? वैजंती सर अपना चश्मा वापस लगा लीजिए, ये प्रेस है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि यूपी में एक पुलिस ऑफिसर ने एक प्रेस रिपोर्टर से शादी कर ली है। इस इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेकर हमारे सर ने भी एक प्रेस रिपोर्टर से आने वाले 2 महीनों में शादी करने का डिसीजन लिया है। तो आप में से किसी को शादी करनी है तो एप्लीकेशन दे सकता है, आप भी दे सकते हैं। सही कहा सर, इससे पुलिस और प्रेस के बीच अच्छा रिश्ता शुरू होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक नई रिलेशनशिप को जन्म देगा। इस प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करती हूं सर। क्या आप कुछ स्पेशल क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं? डांस करना चाहिए। इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। म्यूजिक ऑन। यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर वहीं जाकर लड़की ढूंढो। जाकर ढूंढता। क्या टॉर्चर है? अरे सुनो तो। हेलो एसीपी। ऐसे फालतू प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट टाइम देखना हम क्या एक्शन लेते हैं। लंच टाइम तो हो चुका सर, यहाँ बैठने से अच्छा है कि ग्राउंड के चक्कर लगा के आते हैं, कम से कम हमारी सेहत तो अच्छी बनी रहेगी। शिवा के लिए रुकने की क्या जरूरत है? ये मीटिंग उसी के लिए तो है, बिना उसके हम लोग वैसे भी क्या होकर। सॉरी सर, क्या कर सकते हैं हम? बैठ जा उस नए एसीपी के पक्का कंप्लेन करूंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? कमिश्नर के साथ लैंड डीलिंग का काम है? क्या मतलब? हम तो इसके खिलाफ कंप्लेन करने आए ना। अरे थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकता है क्या? सर आपकी ये 801 नंबर की गाड़ी कब हमारा पीछा छोड़ेगी? कौन सी गाड़ी? एक्सक्यूज मी सर, आप अपना काम देखिए, हम इसका काम देखते हैं। मैं अभी अंदर जाता हूँ। तो बाहर जा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? थाई मसाज के। फ्री में है क्या? एकदम फ्री। तब तो बहुत मजा आएगा। चलो चलो चलो। सर आ गए। हमारे सर आ गए। शट अप। मैसूर का महाराजा है क्या तुम्हारा सर? नमस्ते सर। इतना लेट क्यों? क्या करूं, रास्ते में एक प्रॉब्लम थी,
मैंने 30 का, उसने 20 का, फिर एक ब्रोकर ने बीच में आकर 25 में मैटर सेटल करवाया। देख रहे सर क्या हो रहा है, पैसों के सेटलमेंट की बातें आपके सामने कर रहा है सर वो। नहीं सर, सेटलमेंट वाली बातें मेरे सामने मत कीजिए सर, मेरी इज्जत को ठेस पहुंचती है सर। एक्चुअली थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए लेट हो गया। इसके नाम से जितनी कंप्लेन है बताना शुरू करो। रियल एस्टेट हो या चोरी का धंधा, हर जगह यही सेटलमेंट करता है। कोई भी एरिया हो, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, सब जगह टांग अड़ाकर सारी डीलिंग खुद करता है। इन जैसों की वजह से ही डिपार्टमेंट की बदनामी होती है, इन्हें सस्पेंड किया जाए सर। सर मुझे बताइए, आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करना क्या इतना इजी है? सेंट्रल से आदमी आएगा, पूछताछ होगी, उसे सबूत मिलेंगे, गवाह मिलेंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, बहुत मुश्किल है सर। क्या मेरे खिलाफ एक भी रिटर्न कंप्लेंट आई है? अरे आएगी कहाँ से सर, भगवान के गाने वाली एक एम्बुलेंस है इनके पास, जिनसे डील नहीं हो पाती है उन्हें उसके अंदर डालकर थर्ड डिग्री दिया जाता है। जिस तरह सड़क पर कचरा फेंका जाता है वैसे ही उन्हें फेंककर गाड़ी चली जाती है। पता नहीं ये सब क्या बोल रहे हैं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट दी है। आप विश्वास नहीं करते तो शर्मा जी से पूछ लीजिए। शर्मा जी नई गाड़ी का माइलेज ठीक है ना? टाउन में 15 हाईवे पे 21। इतना कम माइलेज देती है मतलब मुझे उल्लू बना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बड़ी गाड़ी लेंगे। अच्छा बैठ जाइए। इंस्पेक्टर वैजंती कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ सर। आपका नया फ्लैट कैसा है? ऐसी हवा आती है सर कि झूमने का मन करता है। दो बड़े बेडरूम, बड़ी सी बालकनी और अटैच्ड बाथरूम, कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अब बताइए आपको मेरी ईमानदारी की नौकरी कैसी लगी? ईमानदारी या बेशर्मी? बेशर्मी, मैं दिन रात डिपार्टमेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग मुझी पर शक कर रहे हैं। मेरे ऑफिसर किसी भगवान से कम नहीं है। ज्यादा हो गया क्या? वैजंती यहाँ। मैंने ये यहाँ बोलने को नहीं कहा था, सिर्फ लड़की के सामने बोलना था, गलत जगह बोल दिया ना। ज्यादा इमोशनल हो गई थी सर। भैया बहुत हुआ सर, बहुत हुआ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मीटिंग करवा के कमिश्नर का टाइम मत वेस्ट कीजिए। इन्हें क्या समझ कर रखा है? ये एक सच्चे और ईमानदार कानून से बंधे हुए पुलिस ऑफिसर है सर, पुलिस ऑफिसर है सर। सर मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं जा सकता हूँ सर? चलता हूँ सर। प्यार से देखना खाएगा क्या? ये क्या है सर, इसकी हरकतों पर हम लोगों ने ये इंक्वायरी बिठाई थी और ये ऐसे स्टाइल मार के जा रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर करने क्या आया है। सर इस आदमी को क्या हम यही नहीं रोक सकते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ये ट्रांसफर होकर आया है, लेकिन है पक्का क्रिमिनल। ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। आपकी दया से सब ठीक हो गया सर। तुम्हारा तो ठीक हो गया पर तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। सर, सर, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे सर, सर, बताइए। ये चांदनी रात, रात है। उसका कोमल हाथ, कोमल हाथ है। उसका हाथ मेरे हाथों में, हाथ में हाथ। इतनी रात को हाथ देकर क्या करूंगा? सर आप बिना। अगर इस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। आधी रात को आपकी इमेजिनरी वाइफ को कहां से लाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। और कारण क्या बताएं? कह दो एटीएम में चोरी हो गई। उसके लिए चोर चाहिए ना? उन्हें तो मैं अपने साथ लाया हूँ। अबे जोकर्स, बोलिए मालिक हम क्या करें? एटीएम में जाकर पैसे ले आओ। एटीएम से बिना कार्ड के भी आजकल पैसे निकलते हैं। रोड से तोड़ कर निकालो। लेकिन पुलिस पकड़ लेगी तो? नहीं निकालोगे तो कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। 801 वैन को बुलाओ। याद आ गया सर, याद आ गया सर। सर एक काम कीजिए, रोड दे दीजिए सर, दीजिए रोड निकालो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा दो। अरे सर हम एमपी के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया गया सर? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सही मतलब समझ में नहीं आया क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर लेडीज को पहला प्रेफरेंस देते हैं। आप जा बेटी। ये कैसे हो गया यार? उसे अपने 801 वैन में दो दिन घुमाया था ना? तो प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ा यार। धीरे बोलो। हेलो, इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? हमने एटीएम चोरों को पकड़ा। ये दोनों जोकर चोर है। जोकर किसको बोला तुमने मैडम? इसे देखो तो, ये चोर नहीं लगता। इसके लिए मास्क क्यों उठाया रे? मुंह ढक लेते हैं। ए सुनो, ये सब तुम किस लिए कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम चाहे जो भी कर लो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। सुनो, अगर घर का एड्रेस दोगी तो तुम्हारे घर वालों से शादी की बात कर लूंगा। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या है भाई, लोग सुबह जो एक किलो सोना पकड़ा था ना उसमें से आधा किलो इसे दे दो। सर एड्रेस चाहिए ना, मैं बताता हूँ। रुको, आकांक्षा बंगलो नंबर 306 रहेजा कॉलोनी ईस्ट की तरफ पड़ता है सर। इनके घर में माँ पापा दीदी और जीजा जी रहते हैं सर। पुलिस के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं सर। एक नामचीन बिजनेसमैन को फंसा कर पुलिस वाला बनाया सर। वो बेचारा तो पुलिस यूनिफॉर्म को अपने बगल में रखकर सोता है सर। उनके घर पर आपको पुलिस वालों के किस्से सुनने को जरूर मिलेंगे सर। इनकी बहन को पुलिस वाले अच्छे लगते हैं सर। आधा किलो सोना सर। बेटा सोना तो नहीं है पर ये तुझे सोने पे सुहागा।
मैंने कहा था ना मुंह मत खोलना। अब आगे का प्लान क्या है बताइए सर। इसका एड्रेस तो मिल गया है, इसकी बहन को पटाएंगे और शादी कर लेंगे। बहना, प्यारी बहना, क्या है, कौन है आप लोग? इसकी माँ तो बुरी होनी चाहिए। ये इमेजिनरी वाइफ की बहन है सर। अरे कौन है आप लोग? आपकी बहन के लवर है। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? कौन हो तुम? ये देखिए। अरे देखने से पहले ही फेंक दिया। ये इस एरिया के ACP हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया? आइए ना, आइए बैठकर बात करते हैं। चलो चलो, मतलब चलिए। हाँ चलिए। अरे हे भगवान, क्या हुआ ACP दामाद जी? बहन जी इतनी प्यारी है पर सोफा कितना पुराना है। सच में ये कितनी शक की बात है। इमीडिएट चेंज। यस सर। शाबाश। थैंक यू होने वाला दामाद जी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? घर बड़ा पर टीवी छोटा, टीवी बड़ा होना चाहिए। हाँ बदल दीजिए, बदल दीजिए। बदल देता। अबरा डबरा हूँ। बड़ा टीवी। हाँ टीवी। ए देख, देख अच्छे से देख, देख ठीक से देख। शर्म नहीं होती? आपके गले में बड़ा नेकलेस होता तो अच्छा लगता। ओ अगर यही बात है तो हम नेकलेस पहना देते हैं। पहना दो। नेकलेस कम। वैजंती इसे उठाओ वरना यहाँ पर भूकंप आ जाएगा। प्लीज उठिए। सर वो क्या है, हमारा मुंबई में भी घर है, आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। वो हमारे जोन में नहीं आता है सर। ऐसी बात है। इनको उंगली क्या थी, इसने तो हाथी पकड़ लिया। इनका बस चले तो अपने बाप को भी बेच दें। आपको चाय कॉफी जूस इन सब में से कुछ चाहिए? मुझे आपकी बहन चाहिए। उसकी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे लिए भी खिलाओ। चलिए सोफा पे बैठिए ना। चलिए सुनिए। Yes, ma'am. ये सैंपल कौन है? वो आदमी है जिसे मैडम ने ड्रामा पुलिस बनाया। ओए ड्रामा पुलिस, ये यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाते हो तो डर नहीं लगता? बाहर से ज्यादा तो घर में लगता है सर। ओ, ओ। सुनो जी, बहुत ज्यादा गर्मी है किचन में, काम करके थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म को निकाल दूँ क्या? मुझे भी गले में तकलीफ हो रही है, मंगलसूत्र निकाल दूँ? अरे ना ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कश्मीर में हूँ। इसे घर के अंदर क्यों आने दिया? क्यों ना दिया? एक मारूंगी अभी। ऐसा बोलते हैं सर के लिए? पुलिस सही है, ओरिजिनल पुलिस। ओरिजिनल ही है ना? गन से शूट करके दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। बैठकर उनसे बात करने के बजाय ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, इसीलिए तेरे माँ बाप ने तुझे बड़ा किया। जा बैठ कर बात कर। रोज तो साड़ी पहन कर निकलती हो, आज ये क्या पहन रखा है तुमने? वो सब बाहर के लिए, घर में तेरी मर्जी है। अरे, रुको एक फोटो तो निकालने दो। ए, यहाँ से चुपचाप निकलते हो या टीवी चैनल में तुम लोगों के साथ साथ सारे पुलिस वालों को एक्सपोज करूं? दीदी अब चुप रहिए दामाद जी, ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चैनल है लेकिन ऑपोजिशन के पास 20 चैनल है। उन्हें ले जाकर टीवी में खड़ा करके कहूंगी तुम ही हो जिसने इन्हें आई लव यू कहा, तुम ही हो जिसने इन्हें व्हाट्सएप पर आई लव यू का मैसेज भेजा, तुम ही हो जो इनके पीछे घूमती फिरती रहती हो। अब बताओ क्या करोगी? दीदी दीदी यस, होने वाली वाइफ के साथ रेस्टोरेंट जाने का मन कर रहा है। ले जाइए ना दामाद जी। पर वो नहीं आ रही है ना? फैमिली साथ रहेगी तो चलेगा। बढ़िया आइडिया। इस होटल में इतनी सारी चेयर है, हम ऐसे चिपक चिपक के क्यों बैठे हैं? अरे दूर दूर बैठने से रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसलिए हम सब इतने करीब बैठे हैं चिपक चिपक के। क्यों सही कहा ना दामाद जी? You are always right. Hi. क्या दीदी तुम भी ना यहाँ आने के लिए हाँ क्यों कहा? ऑटोग्राफ प्लीज। दीजिए दीजिए। ऑटोग्राफ के साथ साथ अपना वो डायलॉग भी सुना दीजिए। अब कानून के हाथों से तुम बच सकते हो लेकिन सिंगर के हाथों से। एक्सक्यूज मी डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हैप्पी टू अनाउंस द मोस्ट विजिटिंग कपल ऑफ आवर रेस्टोरेंट, मिस्टर शिवा एंड जानो। दीदी मोस्ट विजिटिंग कपल, लेकिन मैं इस रेस्टो में पहली बार आप लोगों के साथ आई हूँ। थैंक यू। अरे रोज ले, चल ले। कॉल हो गया। अरे सर आपके लिए कॉल है। यस कमिश्नर, सबकी दिवाली तो बाद में आएगी लेकिन मेरी दिवाली आज ही है। मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आज इनॉग्रेशन होने वाला है। जिस मिनिस्टर ने स्टे लिया था वो घर बैठ गया। जिस इंजीनियर ने कंप्लेंट की थी वो ट्रक के नीचे आकर मर गया। ये सब देखने के बाद भी तुम सुनामी की तरफ बेखौफ, लेकिन आज तुम्हारी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन रिबन कौन काट रहा है जानते हो?
तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का एसीपी। चेन्नई के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल बनाने के पीछे एक ही इंसान का हाथ है और वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी के जी, जिन्हें इस मॉल को बनाने में काफी प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी उन्होंने ये कर दिखाया। शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के मशहूर एसीपी शिवा ने इस मॉल की ओपनिंग की और भी जाने माने लोग वहाँ पर उपस्थित। शॉपिंग मॉल की तरह जी के साहब का मन भी बहुत बड़ा है, आज से उनके हर एक प्रोजेक्ट में मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। कमिश्नर सर, सर आपके लिए मिठाई लाया हूँ, आप भी खाइए ना। ए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करके आ रहे हो, तुम्हें पता है वो जमीन गवर्नमेंट ने किसे अलॉट की थी? जिनके माँ बाप नहीं है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, और बच्चे होते हुए भी जो बूढ़े माँ बाप अनाथ हैं उनके लिए, उन्हें अलॉट की थी। जी के बेमानी से जमीन हासिल करके वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है, पुलिस वाला होते हुए भी ये उसका रिबन काट कर आ रहे हैं। बेअकल कहीं के, शर्म नहीं आती? नहीं सर, रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। मैं तो वहाँ सिर्फ रिबन काटने गया था, प्लानिंग की अप्रूवल मैंने थोड़ी दी थी। क्या पानी का कनेक्शन मैंने दिया था? क्या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मैंने दिलवाया था? या फिर उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की परमिशन दिलवाई थी मैंने? जिन लोगों ने ये परमिशन दिलवाई है उन्हें तो कुछ नहीं कहा, मैं बस रिबन काट कर मिठाई खिलाने का चलाया, मुझी पर चिल्ला रहे, जाकर उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? इतना चिल्लाते क्यों है? सर को बीपी शुगर की कोई प्रॉब्लम है? अभी तक तो नहीं है। अब मैं आ गया हूँ तो सब हो जाएगा, उनसे कहना संभल कर रहे हैं। एक अच्छा डायलॉग सुनाऊं क्या? हाँ सुना। चुपचाप जो रहता है उसे उंगली करना दुनिया की रीत है, उंगली करने वालों के साथ रहकर उनकी बैंड बजाना एसीपी शिवा की रीत है। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया पंचलाइन थी, कैसे सोच लिया? दिमाग को पॉलिश करोगे तो अच्छे आइडियाज आते रहेंगे, खाली बैठकर टोस्ट खाओगे तो कुछ नहीं होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक। मीडिया वाली से पंगा ले रहा है, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि याद। गर्म हो गई हो तो थोड़ा सा ठंडा पी लो। 10 मिनट अगर मैं तुमसे मिल लूंगी तो कहा था कि कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। बोलो क्या बात है? हमारी शादी की बात। एक बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो लड़का, मुझे एक बार दिखा दे। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इस दुनिया का मोस्ट हैंडसम मैन है, जब चलता है तो लगता है सिंघम है। बैठ गया तो शेर, ले गया तो सांप। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो है सुनामी स्टार सुभाष। ये है कहाँ? वहाँ है। वैजंती। यस सर। सुनामी स्टार सुभाष। तो सुनिए सर, एक वक्त था कि इसने सारे हीरो को घर पे बिठा दिया था। इतना ही नहीं, एक बार इसे रजनी सर की भी फिल्म मिली थी, इससे आप बच के रहिए सर। एक फिल्म के लिए इसके करीब 200 पोस्टर लगते हैं सर। ये तो गया, बचेगा नहीं, इसे तो मैं खत्म करके रहा हूँ। कोई चेंज है ही नहीं, कोई रोमांस नहीं है क्या? रोमांस चाहिए? हाँ, लड़का लड़की की जान बचाता है, 10th फ्लोर से उसके लिए कूद पड़ता है, मेरे लिए ऐसा कोई सीन होना चाहिए। ऐसा सीन चाहिए आपको सर? लिप लॉक। ये तो गई। आजकल के डायरेक्टर भी न जाने क्या क्या थ्योरी बनाते रहते हैं। स्क्रीन प्ले और कहानी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आगे से हम ध्यान देंगे सर। आपसे मिलने के लिए प्रोड्यूसर साहब। हेलो सुनामी सर, गुड मॉर्निंग। प्रोड्यूसर कहिए, कैसा ना हुआ? आपने जो फिल्म का टाइटल भिखारी रखा है ना, सब लोग कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म का नाम कबाली रख सकते हैं, तो क्या मैं भिखारी नहीं रख सकता हूँ? मैं बिल्ली नाम रखूँ या भिखारी रखूँ? तू ठहरा 2 कौड़ी का प्रोड्यूसर, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या नाम रखना है? सब मानेंगे तो टेंशन मत ले, बस अपना काम करता रहे। ए डायरेक्टर, लिप लॉक के सीन के बारे में जो मैंने कहा है वो प्रोड्यूसर से बैठकर डिस्कस कर ले, जा। क्या बात है सर? कल रात में पब में जिस तरह से मैंने डांस किया था, लड़कियां वो देख करके शॉक हो गई थी ना। वो क्या है, अपनी उम्र की वजह से जो तुम शेक हुए होंगे तो लड़कियां उससे शॉक हुई होंगी। अरे जल्दी बकवास बंद कर। तू चुप, बंदर की शक्ल वाले भिखारी की औलाद। अब हम डिसेंटली बात करेंगे। ठीक है, ये बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये देखो। ये बताओ कौन है ये सुपर मॉडल? सर इस लड़की से प्यार करते हैं और ये लड़की आपसे प्यार करने का दावा करती है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप उस लड़की से प्यार करते तो हमारे सर रास्ते से हट जाएंगे, अगर नहीं करते तो आप रास्ते से हट जाएंगे। ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दूँ, ये मेरी लवर है, तुम इसे कैसे प्यार कर सकते हो? हमारे सर से मैं नहीं डरता, मैं हूँ सुनामी स्टार सुभाष, ये लड़की सिर्फ मेरी ही है।
बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। ए, सर सर पर कुछ मेकअप जैसा लग रहा है, इसे निकाल नहीं सकते। ये मेकअप नहीं है सर, पुलिस वालों ने जो मारा उसका निशान है। हेलो नमस्ते सर, ये क्या है, इसका बेल रिक्वेस्ट लेकर आए हो? नहीं सर, जेल रिक्वेस्ट। इसे अंदर ही रखिए, फिल्म इंडस्ट्री खुश रहेगी। मैं किसी और हीरो के साथ शूट कर रहा हूँ, चलता हूँ। इस एक्टर की क्या वैल्यू है इस डायरेक्टर को नहीं पता? मेरे जो फैंस है ना, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे लिए आग भड़का देंगे। कितने भी फायर इंजन आ जाए वो बुझा नहीं सकते। इसमें फूंक मार के दिखाओ। इज्जत की तो ऐसी की तैसी हो गई। क्या हुआ अंकल? हवा कम हो गई। अरे मेरे भाई, तेरे मेरे बीच में झगड़ा कैसा? उस लड़की को यहाँ बुला लो, मैं ही उसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। सर, हैप्पी बर्थडे सर। अरे वो तो कल है। वो कल नहीं, आज ही है। कल पूरे दिन आप 801 में ट्रैवल कर रहे थे। कौन है वो? मेरी बहन से प्यार करने वाला आदमी कौन है? गुड मॉर्निंग दामाजी। कौन है? बताओ। है वो चकला? टकले कहीं के, शक्ल एकदम बंदर जैसी, और तुझे मेरी बहन चाहिए? स्टॉप इट, सुनामी स्टार सुभाष। सर आप है क्या? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, आपकी हर फिल्म में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हूँ। अबे टकले, लड़की आ गई है, तुम्हें जो कहना है कह के चलते बनो। मेरे भाई, हर आदमी का एक ना एक दिन वक्त जरूर आता है, तुम पता कर लो। तुम सुनो, मैंने तुम जैसी बेकार लड़की से प्यार कर लिया ना, तो समझ लेना ये मेरे लिए डूब मरने की बात होगी। पुलिस से डर कर हमारे प्यार की कुर्बानी दे रहे हो? सुबह, I love you सुबह। अटैक! जाने को मत मारो, इसमें मारो उसे। Stop it! Get back! इतनी बार जाने के बाद भी आप अपने ठीक से करे हैं, आप सच में रियल हीरो हैं सर। हट, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? तुम दोनों बहने हो ना, दोनों अंदर चली जाओगी। ये सारे पुलिस वाले एक साथ मिलकर मुझे मार रहे हैं, वो भी ग्रुप में एक साथ। ऊपर से तुम मजे लेकर तालियां बजा रही हो, पागल कहीं की। भाई, इस बंदर जैसी शक्ल और उस रसगुल्ले जैसी लड़की के बीच कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं सकता है। इस मास हीरो का और इस खूबसूरत परी का कॉम्बिनेशन सुपर हिट है। इस बंदर से कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब तो मैं तुम्हें पटा कर ही रहूंगा, फिकर मत करो मेरी जान। जीके साहब नमस्ते। भैया, ये जीके साहब का जूठा खाना है ना? हाँ सर। एक मिनट रुको। अरे आपको खाना ही था तो आपके लिए दूसरी प्लेट आ जाती। अब ऐसा नहीं है कि एक प्लेट इडली मुझे यहाँ नहीं मिल सकती, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक प्लेट इडली बाहर से खरीद के खा नहीं सकता। अब जीके साहब का जूठा मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। डायलॉग अच्छा लगा ना? जानकी का फोन है, उसने पूछा है माल यहाँ भेजूँ या कहीं और। जानकी का फोन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने कहीं पार्टी ही बदल दी है। कब कहाँ बात कर ली पता ही नहीं तुझे। आए अंकल। आए संजय, अपनी नजरें जरा उस दरवाजे पर डालो। क्या हुआ अंकल? क्या? ए, तुम लोग बीच रास्ते में पीकर ड्रामा कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पुलिस वाले पे थूका? वाह, पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा है? राजा, वो स्टेट में फर्स्ट नहीं आया है जो तुम इसकी तारीफ कर रहे हो। पुलिस वाले को इन तीनों ने मिलकर एड डाला है। कमिश्नर ने तो तीनों को हवालात में डालने का आदेश दिया है। राजा देखो, मेरी बात मान लो। तू समझ नहीं रहा कि तू क्या बोल रहा है? बच्चों से किसी भी तरह से माफी मंगवा लो जी। तू जैसा गधा जो चपरासी बनने के लायक नहीं उसे मंत्री बना दिया, और तू अब कह रहा है कि मेरा भाई उस पुलिस वाले से माफी मांगे? फोन लगाओ अभी, तेरी कुर्सी निकाल कर तुझे फिकवाता हूँ। मुझे मंत्री पद से फिकवाओगे? तब तक मैं चुपचाप बैठूंगा। मंत्री पद कैसे बचानी है मुझे पता है। तुम्हारे सामने मैं अपनी पावर दिखाऊं? अपनी पावर दिखाऊं मैं तुम्हारे सामने? आओ मारो मुझे, मारो मामा को, मारो मारो जोर से, मारो थप्पड़ मारो, और मारो और मारो। जीके राजा, जीके राजा, तुम्हारा भाई कौन है? कौन है तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? होम मिनिस्टर को मार सकता है तो पुलिस वाले को क्यों नहीं मार सकता? ये भी कोई केस है क्या? इसके लिए तुम टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर्स, इस पुलिस ऑफिसर को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी देखो तुम्हारे सामने मैं क्या कहता हूँ। किसका फोन आ गया? बोलिए सर। कमिश्नर साहब, ध्यान से सुनिए। आपके पुलिस वालों ने आधी रात को दारू पीकर रास्ते में चल रहे मेरे बच्चे को बुरी तरह से मारा है। ये बात मुझे 10 सेकंड पहले ही पता चली है। एक काम कीजिए, आप उन दोनों पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दीजिए। सर दरअसल वहाँ पर हुआ मुझे क्या? नहीं सुनना क्या हुआ? वो दोनों पुलिस वाले कल से पुलिस स्टेशन में नहीं दिखने चाहिए, और उसके बाद
अपने भाई को सोने के सिंहासन पर बैठाना ही मेरा सपना है। जो भी बीच में आएगा उसका चैप्टर क्लोज। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी के राजा, मुझे जरा एक बात बताइए, पुलिस वाले तो आपके साथ हैं, फिर क्यों आप पुलिस वालों से नफरत करते हैं? सांप को नेवले से नफरत है, शेर को हाथी से नफरत है, फिर भी एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ कर मारने की कोशिश में लगे रहते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट, पिछले जन्म की आग है। आई हेट पुलिस। ए, वो आ गया, ये पैसे उसे देते हैं और उसे फंसा देते हैं। तैयार हो ना? कॉस्टली कैमरा है, अच्छे से रिकॉर्ड होगा। चलो सर, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझसे जरूरी क्या हो सकता है? तुम ही बताओ। सर, हमने जो जो गलतियाँ की है ना, उसके लिए आपको रिश्वत दे रहे हैं सर। ये ले लीजिए सर। ले लीजिए सर, दिल मत तोड़िए हमारा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं सर, योग का प्रैक्टिस कर रहा है। आप रिश्वत ले लीजिए सर। नहीं चाहिए पैसे सर, हमने बहुत मेहनत से पैसों का इंतजाम किया सर। ले लीजिए सर, जल्दी से पैसे ले लो और इसका कैमरा ले लो। सर, मेरे पास कैमरा है, आपको कैसे पता चला? जिस टीवी चैनल का कैमरा लेकर आया, हाँ, उसका कैप निकालना भूल गया। गधा कहीं का। पैसे इधर दे। कल का पैसा सर, एक बार घर पर आइए, पार्टी करते हैं सर। 801। अरे भाग। ए, पुलिस स्टेशन में फोन किसने किया था? अरे आगे बॉस। हाँ, मैंने किया था फोन आपको। जानते हैं बॉस, इस घर की एक लड़की ने पिछले साल पैसे लिए थे और कहा था कि एक साल में वापस लौटा देगी, पर अभी तक उसने एक भी पैसा नहीं लौटाया है। पिछले साल से अभी तक का रेंट भी पूरा बकाया है। अपने हाथ में केस आया है, पूरे 6 लाख का है। पहले 3 लाख रुपए से दो। रख लो, सब रख लो, बेईमानी का पैसा रख लो। बेटी नित्या, यहाँ आओ। ये लड़की कौन है पहले ये जान लो। ये लड़की ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन कंप्यूटर में गोल्ड मेडलिस्ट है। अमेरिका में इसकी नौकरी पक्की हो गई, 3 लाख रुपए सैलरी भी पक्की हो गई, लेकिन इसने कहा अमेरिका नहीं जाऊंगी, इंडिया में ही रहूंगी और अपने देश के लिए ही काम करूंगी। हाँ, इंडिया अच्छा ख्याल रख रहा है इसका। सारे पैसे सिर्फ इस पर खर्च नहीं हुए हैं, जो वहाँ खड़े हैं उन पर भी खर्च हुए हैं। ये सारे बच्चे भी ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, और वो जो बैठा है ना, उसका नाम गणेश है। आओ बेटा, यहाँ आओ। देखो, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता, पर कंप्यूटर सीखने की चाह है इसकी। यहाँ सारे बच्चों को अपने छोटे भाई बहन समझकर उन्हीं के साथ रहता है। और ये कौन है जानते हो? नित्या के पापा। और जरा ये भी देखो, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, इसीलिए पैसे नहीं भर पाए। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ होता तो क्या तुम अपने घर की नीलामी होने देते? ये ले, 6 लाख का चेक है। उस लड़की के पैसे सूद समेत वापस कर दे। सर, नहीं सर। रख बोला ना कि तू एक बड़े लोगों पर हाथ मारने बोला तो तू छोटे बच्चों को आकर परेशान कर रहा है। 2 मिनट दे रहा हूँ, सारा सामान अंदर पहुँचा दे। 2 मिनट में पहले पहुँचा देता। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी करो। आजा हो गया। अरे ये क्या कर रही हो? बस बस। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ठीक बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। वेरी गुड, सब खुश रहो, ठीक है? क्या हुआ?
इस रोमांटिक क्लाइमेट में गर्लफ्रेंड होती तो मजा आ जाता। आसपास आईटी कंपनीज है, एक से एक हाईटेक कंपनीज। रोड साइड जाओगे तो एक से एक लड़कियां मिलेंगी। यही पास के ही एक आईटी कंपनी में काम करने वाली लड़की का मर्डर हुआ है। मौकाए वारदात पर हमें एक कार की नंबर प्लेट मिली है और ये नंबर तुम्हारे भाई के नाम तुम्हारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। थोड़ी सी इंक्वायरी करनी थी। पुलिस स्टेशन आने का कष्ट करोगे? ए ब्राउनी, बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो। पता नहीं सिटी के इतने बड़े कमिश्नर यहाँ पर खड़े हैं। आजकल कुत्तों को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। अगर इसे 4 दिनों तक लॉकअप में रखकर डंडे से मारेंगे तो शायद सुधर जाएगा, ऐसा मैं सोचता। जी के सर, गुड मॉर्निंग। कार चोरी हो जाने की कंप्लेंट की थी ना, वो मिल गई। पौंडीचेरी के बॉर्डर पर किसी ने झाड़ियों में पार्क कर दी थी। वैसे कार तो मिल गई, लेकिन कार का नंबर प्लेट कोई चोरी करके ले गया। कार मिली पौंडीचेरी में? हाँ वही। यहाँ किसी का मर्डर हुआ और उसके पास नंबर प्लेट मिला, ये बात कहकर मेरे भाई और उसके दोस्तों को हिरासत में लेने आए हैं। अच्छा ये बात है। रुकिए मैं बात करता हूँ, जरा मुझे वो कार का नंबर प्लेट दिखाना। TN02। अरे ये तो अपनी गाड़ी का है। मैटर क्लोज हो गया। वो पेमेंट मिल जाता, जुबान फिसल गई, स्टेटमेंट मिल जाता तो अच्छा होता। मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए कह रहे थे। जब एक पुलिस वाला अपना सर झुकाए मेरे सामने खड़ा रहता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा ब्लड प्रेशर अपने आप ही 440 वोल्ट पे ज़ूम हो जाता है। आई हेट पुलिस। ये तो बस शुरुआत है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे सपोर्ट करके और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको कंफ्यूज करके जो जा रहा है, वो कौन है पता है? बताऊंगा तो तड़प जाओगे। बताऊं कौन है? तो बताते क्यों नहीं? वैसे भी सब कुछ जानकर ही तो तुम इन्हें खरीदते हो। ये तो पक्का है तू नहीं जानता, वो है तेरा बेटा। ए, शॉक क्यों? पुलिस वाला है ना, जाकर पता लगा लेना फिर। सर, शिवा के बारे में कुछ पता चला है। पहले उसका नाम शिवकुमार था, जिसे बाद में बदलकर शिवराज पांडे कर दिया गया। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है सर। वहां के रिकॉर्ड से हमें उसकी एक फोटोग्राफ मिली है सर। वो देखो, हाँ माँ, वो देखो, वो देखो, कितना बड़ा है ना? वो देखो, वो चौथा गया। हुआ बहन, सर अभी तक घर नहीं आए। त्योहार के दिन भी ड्यूटी करते हैं। हमें देखो, हम भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन त्योहार परिवार के साथ मनाते हैं। और ये इकलौते पुलिस वाले हैं जो आज भी देश की सेवा में लगे हैं, वो भी त्योहार के। अपने पापा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जा सकते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल तमीज नहीं। शिवा शिवा उठो, तुम्हारे पापा उठा के जरूर लाए होंगे। सुबह जल्दी आ जाना। ओके सर। ये क्या जी, आप बच्चे के लिए कुछ नहीं लाए? पटाखे लाने थे। मैं भूल गया बेटा, अभी जाकर ले आऊं पटाखे। कोई जरूरत नहीं, सारे पापा अपने बच्चों के लिए पटाखे लाते हैं, पर आप हर साल ऐसा करते हैं। शिवा, शिवा। अरे रे बेटा, संभल के, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ए, हाँ? क्या देख रहा है, आकर रिक्शा में बैठ जा। पापा मेरे साथ कभी नहीं। चलो चलते हैं। मेरी हर खुशी में, हर एक दुख में बस मेरी माँ मेरे साथ है। माँ, मैं अपनी बहन के लिए ये ले सकता हूँ? तुझे कैसे पता कि बहन ही होगी? हाँ, भी सोच लिया मैंने। बाप रे बाप,
क्या नाम सोचा है? नित्या। शिवा, शिवा, गुड बॉय। अरे, अरे, शिवा। ये क्या हो गया? माँ। सिचुएशन कंट्रोल में तो है। पापा, पापा, माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। उसकी हालत बहुत खराब है। सर, अब जल्दी चलिए ना। इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। हमें जल्दी निकलना होगा सर। सुनो हवलदार, मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम बच्चे के साथ जाओ, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पापा, पापा जल्दी चलिए ना। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? चलो। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न किया गया तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। जल्दी पैसे भरने होंगे। एक और बात, जब तक इनके पापा यहाँ पर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते तब तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। प्लीज आप मेरे पापा को जल्दी बुलाइए ना। हाँ बेटा, मैं बुलाता हूँ। उस दिन पापा मेरा दुख बांटने के लिए भी नहीं आए, पर माँ के ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों चल रहे। उस दिन मुझे लगा कि वो गुस्से में भाग रहा है, पर आज पता चला कि वो बदले की आग में भाग रहा था। उस दिन मैं अपनी पत्नी और बच्चे की जान नहीं बचा सका, और शिवा उस समय कुछ समझ ही नहीं सकता था। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आपने जो किया वो सही है, पर आपके बेटे का गुस्सा बिल्कुल जायज है सर। मुझसे बदला लेने के लिए वो जीके को सपोर्ट कर रहा है। कल उसे बुलाओ, मुझे उसे कुछ बताना है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर, इतना अर्जेंटली बुला लिया और यहाँ पर तो सब साइलेंटली खड़े हैं। सर भी खामोश है, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवा, तुमने कितनी बड़ी गलती की है पता है तुम्हें? सर, क्या सही क्या गलत ये माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। मुझे एडवाइस मत दीजिए, जो बीवी को मरता हुआ छोड़कर बच्चे को अनाथ बनाकर ड्यूटी निभाने गया उस आदमी से कहिए। मुझे बताने का क्या फायदा है सर, मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब है, अगर घूम गया तो आगे पीछे देखूंगा नहीं, सीधा ठोक दूंगा। सर सर क्या सर सर छोड़ दीजिए। जानते हो ये सब कौन है? चोरी करने वाले चोर हैं या फिर क्राइम करने वाले पॉलिटिशियंस? इस देश के लोगों के लिए जान देने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। लाइसेंस नहीं है तो 100, और अगर केस बंद करना है तो 5000 लेने वाले ऑफिसर्स तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जानते हुए कि अपनी जान उन्हें इस डिपार्टमेंट के लिए देनी पड़ेगी, ऐसे जांबाज पुलिस ऑफिसर्स लाखों में एक होंगे। उनकी तरह एक दिन भी, एक मिनट भी, अरे एक सेकंड भी जी लो तो बड़ी बात होगी। इन्हें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं होता ये सोच रहे हो? पता है, सब कुछ भुलाकर ये सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अपनी ड्यूटी में हर वक्त यही तमन्ना होती है कि इन बहादुरों के बीच मेरी फोटो कब लगेगी। हर देशभक्त के दिल में यही जज्बा होता है। मैं जानता हूं उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आया इसका तुम्हें दुख हुआ, लेकिन मैं क्यों नहीं आया जानते हो तुम? तुम्हें अपनी माँ की फिक्र थी और मुझे स्कूल में फंसे हुए सैकड़ों बच्चों की। आतंकवादियों ने स्कूल में बॉम्ब रख दिया था, सारे गेट को लॉक कर दिया था उन्होंने। उस वक्त उन मासूमों की जान बचाना ही सिर्फ दिखाई दे रहा था मुझे। अपने फर्ज को अंजाम देने की वजह से ही मैं हॉस्पिटल में नहीं आ पाया। I will act with honesty, courtesy and regards for the welfare of others and will endeavor to develop spirit decorum. शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए, ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। और तुमने क्या किया? मुझसे बदला लेने के लिए तुम जीके जैसे देशद्रोही से मिल गए? ये केस एक गूंगी लड़की का केस है पता है तुम्हें? वो
उस लड़की का कत्ल क्यों किया गया जानते हो तुम? रात इस बेजुबान लड़की पर कहर ढा दिया था उन बदमाशों ने। अरे वो भाग गया यार। जब लड़की के बाप को होश आया तो हमें पता चला कि उसका नाम नित्या था। वो मासूम बेजुबान लड़की अपनी आंखों के सामने अन्याय होता नहीं देख पाई और एक लड़की की जान बचाने की खातिर अपने जान की परवाह किए बगैर उस जीके के भाई के हाथों बलि चढ़ गई। तुम्हें मुझसे नफरत है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पर तुम एक क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें भाई मानने वाली उस लड़की को क्या जवाब दोगे तुम? जीके अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगा, तब तुम उसका साथ दोगे या फिर कानून का? अस्पताल में भर्ती है, निंद्या का कोई नहीं है, अब उसका अंतिम संस्कार कैसे हो पाएगा? सबके सवालों का एक ही जवाब है, इस केस की विक्टिम लड़की आईटी कंपनी की नहीं बल्कि नित्या नाम की एक बेजुबान लड़की थी। हमें पता चला है कि इस केस में कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल से लेकर स्टेट तक कितने भी वीआईपीज का प्रेशर क्यों है, केस के मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस केस को डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज की तरह लिया, हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। नित्या के पिता ने जो स्टेटमेंट दी है उसी बेसिस पर हम एक्शन लेंगे, जल्दी हम आपको इस केस की अपडेट देंगे। सर ये लोग मुझे मार रहे हैं सर, मुझे बचा लीजिए। हमारा ही आदमी है, डरो मत। सर सर ये लोग मुझे मार डालेंगे सर, इन्होंने मेरी बेटी को मारा सर, सर ये मुझे। Oh,
ठीक है एसीपी शिवा। ओह, मैं तो डर गया तुमसे। आज तक तूने बहुत सारे सिंसियर पुलिस ऑफिसर देखे होंगे लेकिन एक सनकी ऑफिसर कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज देखेगा। अपनी औकात में रहकर बात कर शिवा। तेरी औकात अब ये पुलिस वाला तुझे दिखाएगा। एटम बॉम्ब, पावरफुल एटम बॉम्ब, तेरे चिथड़े चिथड़े करके हवा में उड़ा दूंगा। अपना बैकग्राउंड फिर से बताऊं तुझे? अबे, भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तेरा बैकग्राउंड। बिना किसी बैकग्राउंड के मैदान में उतरता है ये शिवा। मेरे सामने अगर बैकग्राउंड की बात की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरे और तेरे भाई का आज लास्ट हैप्पी डे है। जो खाना है खा ले, जो पीना है पी ले, और अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो जाकर वो भी पूरी कर ले। आज के बाद कोर्ट केस, धरना, लॉकअप, इंक्वायरी, डे नाइट तुम सबकी बैंड अगर मैंने नहीं बजाई तो मेरा नाम भी एसीपी शिवा नहीं। तैयार हो जा, भगवान के दर्शन कर लो। तुम्हारी मौत अब आ चुकी है। अल्लाह के पास जाना है तो मन साफ रखो, जीसस के पास जाना है तो नेक रहो, भगवान के पास जाना है तो कोई बुरे काम मत करो, पर शिवा के पास आएगा तो मर जाएगा। तो फिर आ जा। पहुंच रहा हूं तेरे पास। अब ये एसीपी शिवा तुझे हिला कर रख देगा। जीके के आदमी उनके साथियों की बेल ऑर्डर लेकर आए हैं। सर, बेल पेपर। ये बेल मांगने का सही तरीका। वैजंती, सर, उन सब को छोड़ दो। यस सर। चलो। यस सर। सर, ये क्या हो रहा है सर? तुम्हारे आदमियों को बेल नहीं दी तो तुमने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत बदतमीजी की। क्या हमने? तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बेल देने के बजाय उन सबको अंदर कर दिया। मेरे उन सबके बेल ऑर्डर, सबको बाहर निकालो। वैजंती। सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल ना मिलने की वजह से तुमने हमारे पुलिस वालों के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। मारपीट हमने? नहीं तो क्या मेरे बाप ने? एसीपी, अगर हम अंदर गए तो कोई ना कोई केस ठोक देगा हमारे ऊपर। हम यहीं पर रहेंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। अटेंशन! ये तो बॉम्ब है। हाँ तो चलो इसे खेलते हैं। अरे फेंको इसे जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इसे फेंको, संभालो। ए एसीपी, क्या ये सब? जब मैंने तुम्हारे आदमियों को बेल नहीं दी तो तुमने पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया। किसे? हमने? हमने? हेलो सर, होम मिनिस्टर लाइन पर है। लाइन पर अब होम मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, जिन गुंडों को हमने जेल में डाला है उन सबका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब कुछ लेकर 15 मिनट में अगर वो यहाँ पहुँचे तभी बेल मिलेगी। अगर बिना इन डॉक्यूमेंट्स के कोई भी इस पुलिस स्टेशन में आए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल कर देना। वैजंती, मुझे होम मिनिस्टर समझाइए या राशन कार्ड मिनिस्टर? जी के राजा। वैजंती, आज तक जीके ने किसी भी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा है ना? नहीं सर। अगले 15 मिनट में कुत्ते की तरह भागते हुए आएगा, देख लेना। नमस्ते जीके राजा, नमस्ते जीके राजा, नमस्ते जीके राजा।
चल। मैं पहले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, पहले आप जाइए ना प्लीज। नमस्ते होम मिनिस्टर सर। और कमीशन तो घर पर टाइम पर पहुंच रहा है ना? हाँ पहुंच रहा है ना। नहीं 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 राजा, किसी ने कंप्लेंट दी क्या? वो सब बातें होती रहेंगी, सर के लिए एक चेयर लेकर आओ। मैं हमारे सर की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ऐसे लोगों के सामने कमिश्नर खड़े नहीं होते। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे सर? वाह क्या बात है बेटा, चाय दो कॉफी दो या साथ में ठंडा भी दो, कोई बात नहीं। क्यों जी की राजा? नहीं, या उनके आदमियों को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये लो आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है। मेरे आदमियों को छोड़ो। वैजयंती उन थर्ड क्लास क्रिमिनल्स को बाहर निकालो। यस सर। छोड़ रहा है सर। सर सर नहीं सर, नहीं सर, बाहर नहीं आएंगे सर। अगर हम बाहर आए ना तो ये लोग हमें मार मार के हमारी हालत खराब कर देंगे, हमें वापस अंदर कर देंगे सर। हमें बाहर नहीं आना, हम यही ठीक है सर। कंधे लफंगे कहीं के, जी के राजा सब संभाल रहे तो फिर डर क्यों रहे? जब तक वो है तब तक ये प्रॉब्लम है। मैं सब समझ गया, अपना दिमाग लगा के मैं अभी फोन लगाता हूँ। ऐसा फोन लगाऊंगा की अभी के अभी सब निकल जाएंगे। चलिए प्रॉब्लम क्या है तेरी ये बता मुझे। हाँ? मेरे भाई और उसके दोस्तों ने उस गूंगी लड़की को मारा, बस यही ना? अगर इसे प्रूफ करना है तो कोर्ट में जा, गवाह ला, सबूत, तारीख और तारीख पर तारीख, यही चलता रहेगा। ये तो नॉन प्रोसेस है। ये सब होते हुए भी मैं अपने भाई को पार्लियामेंट में जरूर बैठाऊंगा। पॉलिटिशियन कौन होता है इस बात का पता है तुझे? पॉलिटिशियन होता है किंग। तुम्हारे जैसे सैकड़ों ऑफिसर सलाम ठोकते हैं इस राजा को। पॉलिटिशियन है लीडर, मैं जो कहता हूँ वही लकीर बन जाती है। मेरे आगे तुम हिलाते घूमते फिरती है ये जनता। पॉलिटिशियन इज अ मजीशियन, नो माया। तुम्हारी असली औकात क्या है ये याद दिलाऊं तुम्हें? मंत्री, राजा, ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। जब मैं इसे मारूंगा तो ये मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। हे एसीपी, मैं तुम्हें एक वीक का टाइम देता हूँ। अगर असली मर्द है तो मेरे भाई को ढूंढकर उसे लॉकअप में बंद करके दिखा। वन वीक, ट्राई कर ले। मुझे एक हफ्ते का टाइम दे रहा है? एक हफ्ते में तो मैं डांस भी सीख लूंगा। तेरे भाई को ढूंढकर अंदर डालने के लिए मेरे लिए एक हफ्ता नहीं, बस दो दिन काफी हैं। शिवा, रास्ते पर चलते किसी आम इंसान के साथ तेरे ये आदमी कुछ भी कर सकते हैं। बिना कोई कॉम्प्रोमाइज तेरे इन आदमियों के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तू देखता रह जाएगा। नहीं शिवा, तेरे भाई के फ्यूचर के बारे में एक जरूरी बात करनी है, यहाँ आना। एक्चुअली बात यह है कि गेट आउट। चिल्लाओ सारे। ठीक है, तुमने कहा था ना कि कोई ऐसा पुलिस वाला ढूंढो जो तुम्हारा सामना कर सके। मिल गया हमको। दुनिया कितनी छोटी है ना। वेल डन शिवा। थैंक यू सर। लड़की के साथ उसने डीपी पर अपनी पिक्चर डाली कैसे? जानू, जोश में होश मत खो बैठना, जरा संभल कर। छोड़ो दीदी, आज मैं शिवा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। मैं भी आती हूँ। जानू, बड़ी मुश्किल से तो हमारे सर सुधरे हैं, अब ये हीरोइन क्यों आ गई? क्या करें? अरे, हाय। कौन है ये दोनों? इन्हें भी अंदर करो। शिवा, क्या? जिस स्पीड से आई थी लगा था बहुत कुछ बोलेगी, पर इसे देखकर ठंडी क्यों पड़ गई? कुछ तो बोल, बोल ना। अरे कुछ तो बात कर ले। उस दिन तुम पूछने आए थे तो मैंने मना कर दिया था। आज सारा शहर तुम्हारी बातें कर रहा है। उस लड़की नित्या के केस को तुम बहुत ऑनेस्टली लड़ रहे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा तो अब ये तुम्हें पसंद आने लगे? मैं तो जानती थी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि ये बहुत नेक दिल इंसान है।
तो जाओ ना, जाओ डायरेक्टली बात करो। आई लव यू। क्या बात है, अच्छी खासी हेयर स्टाइल और महंगे कपड़े पहनकर जब मैंने आई लव यू कहा तो तुम्हें पसंद नहीं था, और अब जब सर पर बाल नहीं और शक्ल विलन जैसी लग रही है तो तुम आई लव यू कह रही हो। तुम लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, ऐसे विलन टाइप पुलिस वाले ही लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवा। हेलो एसीपी, बाप और बेटे दोनों दिन रात अपनी ड्यूटी बहुत जोर शोर से निभा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी स्पीड को ब्रेक करने के लिए तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकिंग न्यूज है। बगल में टीवी है तो ऑन करो। नित्या के कातिल खुद ही सामने आ गए हैं। इन तीन लोगों ने कारून के सामने ये कबूल किया है कि इन्होंने नित्या का खून किया है। चेन्नई में चल। शॉक नंबर वन। सर, नित्या के मर्डर स्पॉट पे ये एविडेंस मिले। हेलो। दो दिन में किसी भी तरह से मेरे भाई को अंदर डालने वाले थे ना, लेकिन अब लगता है तुम्हारे सलाम ठोकने का वक्त आ गया है। एसीपी भाई, जरा टीवी देखिए। अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को मनाकर इस बार के चल रहे स्टेट इलेक्शंस में जीके ने अपने भाई संजय को टिकट देने का फैसला किया है, और अगर जीके की पार्टी इलेक्शंस जीत गई तो ये भी संभव है कि उनका भाई सीएम बन जाए। ऑन द वे टू पार्लियामेंट। ये था टू। शॉक नंबर टू। जैसे जूम करो तो सुनो प्रताप सर, सारे हेडक्वार्टर्स में मैसेज दे दो, भागी हुई आईटी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत दे। यस सर। अरे क्या कर रहा है? कह रहा था दो दिन में संजय को पकड़ लेगा और यहाँ आराम से बैठकर सेहत बना रहा है। शेर जब जंगल में शांत बैठा हो तो समझ लेना कि बड़ा तूफान आने वाला है। सर, जिस लड़की की हमें तलाश थी वो हमें मिल गई। सुपर। राजेश सर, पूरी सिक्योरिटी के साथ लड़की को यहाँ लाने का इंतजाम करो। गणपति बप्पा मोरिया। क्यों कमिश्नर, इतने आदमियों को दौड़ा रहे हो, इतनी मेहनत करवा रहे हो, कुछ हासिल हुआ क्या? बाय रोड जाना मुश्किल होगा सोचकर मैंने अपने आदमियों को फ्लाइट में भेजकर इस केस की की विटनेस को वहां से उठवा लिया। सोच रहा हूं कि उसकी विटनेस के साथ मैं अपने भाई की शादी करवा दूं तो अच्छा रहेगा हमारे। उसके बाद तो शायद ही वो तुम्हारी मदद करे। एसीपी शिवा भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपकी आवाज सुनने को मैं तरस रहा हूं। बेवकूफ जीके, सबसे पहले तो तूने 30 गधों को फ्लाइट में बिठाकर भेज दिया, गधों ने फ्लाइट का मजा लिया और तुझे 3 लाख का फटका लग गया। गणपति बाप्पा मोरिया, जिस वक्त खून हुआ था उस वक्त वो लड़की वहां थी नहीं। वो लड़की इस केस की विटनेस जरूर है पर मेन विटनेस नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? तेरे भाई को सलाखों के पीछे और फिर फांसी तक पहुँचाने वाला मेन विटनेस इस शिवा के पास है। क्या कहा तूने? सांप सीढ़ी और लुका छिपी ये सब पुराने जमाने के खेल हैं, लेकिन शिवा का स्टाइल है शेर की तरह सीधा हमला करना। बहुत जल्द तुझे ये पता चल जाएगा। एक बार जो शिवा के हाथ लग जाए उसका बेड़ा पार। तू अपने भाई को तैयार कर, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। समझा नहीं मैं? जब मैं ही नहीं समझा तो तुझे क्या समझाऊंगा गधे। नेताजी, एक बार टीवी ऑन कीजिए तो। टीवी ऑन कर। जी सर। अबे टीवी इधर नहीं, इधर है। कौन हो तुम? इस देश का हीरो हूँ शिवाजी। क्यों, नाम सुनते ही बिजली दौड़ गई? बताओ क्या करना है? भाजिया खा। कितने अच्छे टाइम पे एसीपी ने टीवी लगाने के बाद न्यूज चैनल लगा। नित्या कत्ल केस में एक मोड़ आया है। इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को पुलिस की स्पेशल टीम ने खोज निकाला है। आइए अब उन्हीं से सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्ते सर, नित्या के मर्डर स्पॉट पे एविडेंस मिले। नित्या का खून मैंने अपनी आंखों से होते देखा। जीके के भाई और उसके दोस्तों ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा। मैं वहीं पर थी। लेकिन
जब एसीपी शिवा हमारे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। उन कातिलों को कभी भी छोड़ना मत साहब, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ। सर, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? आप इस लड़की को भी इस विटनेस की तरह उठा कर ले आइए और आपके भाई संजय के साथ शादी करा दीजिए। वो देखिए, टीवी पर किसी बॉलीवुड की जोड़ी से कम नहीं लग रहे हैं। तू बोल रहा था ना तेरा भाई पार्लियामेंट जा रहा है, नाउ टेक अ डाइवर्जन एंड टेक हिम टू जेल। उस बेचारी नित्या को तुमने बहुत बेरहमी से मारा है, अब तुम में से कोई बात नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं तेरे भाई और उसके दोस्तों को उठाऊंगा। तू चाहे तो उन्हें कहीं भी छुपा के देख ले, और उन सबको अरेस्ट करने के बाद पुलिस फोर्स को लेकर ये एसीपी शिवा तेरे घर आएगा संजय को पकड़ने। बी रेडी, सी यू सून मैन। वो यहां से भाग गए सर। हेलो, शेर खान बोल रहा हूँ। पुलिस वालों को लेकर सारा शहर घूम रहा है, बहुत होशियारी दिखा रहा है ना तू? नहीं समझा। जिसे ढूंढ रहा है वो दोनों आदमी इस वक्त मेरे घर में मेरे पास मौजूद हैं। अगर तुझ में दम है तो यहाँ आके उन्हें गिरफ्तार कर, आके दिखा अपनी मर्दानगी। आ! ए! भाई, इस शेर खान के एरिया में कदम रखने से पहले उस एसीपी शिवा के टुकड़े टुकड़े कर। था वो काम तो हो गया, बात कर। शेर खान भाई, मेरा बेटा। भूल मत, ये मेरा एरिया है, मेरे आदमियों को पार करके ही तुझे यहां से जाना होगा। खत्म कर दो इसको। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेर खान, जो भी इंसान पाप को छुपाता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, और ऐसे पापी को अल्लाह भी कभी माफ नहीं करता है। माई राइट? शाबाश बेटा। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि सादा नहीं जानता नहीं है, मसाला डोसा। क्या कर रहे हो? इडली लेके आता हूं। शांत हो जाओ ना। अरे इडली भेज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डर क्यों रहे हो? पुलिस वालों का देखो मैं क्या हाल करता हूँ। जो आ रहा है वो आईपीएस ही है ना, देखो मैं उसे कैसे हैंडल करता हूँ। तुमने आज तक मेरा गुस्सा नहीं देखा, आज तुम उस गुस्से को देखोगे और ठीक यही देखोगे। ऑफिसर है।
इतनी सारी गोलियां चलाने के बाद भी ये पूछ रहा है। मैं समझ सकता हूँ जीके, तू शौक गया है क्योंकि पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर ने तेरे घर में घुसने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन अगर मैं इतना भी नहीं करूंगा तो तू मुझे हमेशा याद कैसे रखेगा? एक एमपी के घर में तोड़फोड़ कर रहा है, क्राइम है, तुझे पता नहीं है? अरे वाह, कुछ एक दो क्राइम अपने सेठ के भी गिनवा दे। इस फालतू एमपी की वजह से आजकल छोटे मोटे गुंडे वैजयंती। अपना धर्म निभाने आए एसीपी शिवा जब एमपी जीके के घर आए तब जीके ने उनके ऊपर कातिलाना हमला किया। तब हमारे इंस्पेक्टर ने इंसाफ की रक्षा करने के लिए ऊपर और नीचे गोलियां चलाई जिससे घर का थोड़ा नुकसान हुआ पर किसी को चोट नहीं आई। अरे बाप रे, ये कैसा सन की एसीपी है, पता नहीं चल रहा गोली चला रहा कि दिवाली मना रहा। नॉन अवेलेबल वारंट। हमारी सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, बोलिए डॉक्टर। आपकी वजह से जो इनकी इज्जत नीलाम हुई है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, उसका असर इनके दिमाग पर पड़ा है जिसकी वजह से इंट्रा सेरेब्रल डैमेज हो गया है और इनके बॉडी के पार्ट्स एकदम फ्रीज हो गए हैं। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा और इसके लिए ये रहा कोर्ट का परमिशन ऑर्डर। अब इसे आपका कानून भी नहीं रोक पाएगा। यस। इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट एमिरेट्स। मोहन समझ गया सर। पेट्रोल क्यों डाल रहे हो उस पर? घबराओ मत, पुराना इलाज है, बुजुर्गों ने कहा है। पाइल्स हो या ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो, हाथ का फ्रैक्चर, पैर का फ्रैक्चर, बैक पेन हो, नेक पेन हो, पेट दुख रहा हो, क्रैम्स आते हो, सबके लिए फिट इलाज है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। क्यों डॉक्टर? सही कह रहे हैं सर। मैच बॉक्स। नो, वी आर डॉक्टर्स, ओनली लाइटर। ओह, वेरी गुड डॉक्टर। अरे भाई लोग, ये तो हिल रहा है। देखा जाए तो आपके ट्रीटमेंट से पहले ही ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। पहले साइलेंट मोड पर था, अब ये वाइब्रेशन मोड पे आ गया है। आप अपनी कोशिश जारी रखिए सर। मैं एक नया आविष्कार करने वाला हूँ। वो भी क्यों, हमने देखा था, वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म तो यहाँ चल रही है मेरे भाई। मिनिस्टर साहब। सर जी नमस्ते। आप यहाँ कब आए? थोड़ी देर पहले यहाँ आके मैं एक ही दिन में थक गया तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। आपकी बेटी कैसी है? अच्छी है। यहाँ क्या काम है? कुछ लोगों का बुरा वक्त चल रहा है तो उनसे जरा मिलने चला आया। अच्छी तरह मिल लिया ना? मैं तो बस जा रहा हूँ। भैया बचाओ मुझे। क्या बोला तुमने? पॉलिटिशियन मतलब पावर, माया, पॉलिटिशियन मैजिशियन होता है। पुलिस की पावर क्या होती है दिखाओ तुझे। पुलिस की पावर और उसका इंपैक्ट ऊपर के लेवल पर होता है। पुलिस का मतलब है डर, जो इसकी आंखों में दिख रहा है। पुलिस के देवर ऐसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, जिस बेसहारा लड़की को बेरहमी से मार कर तेरा ये भाई जिंदा घूम रहा है ना, उसके शरीर से खून का हर एक कतरा ना निचोड़ लूं, तब तक चैन नहीं मिलेगा। कहा था ना 2 दिन में तेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। जीके, अब मैं तुझे भी 2 दिन का वक्त देता हूँ। जाके हाथ जोड़, पैर पकड़, नॉर्थ में जा या साउथ में जा, पार्लियामेंट में जा या विधानसभा में जा, गांव जा या शहर जा, दोस्त को बुला, रिश्तेदार को बुला, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे तू स्वर्ग जाए या पाताल में जाकर छुप जाए, बहुत पावर पावर करता है ना, उसी पावर का इस्तेमाल कर और 2 दिन में अपने भाई को निकाल कर दिखा। ये तेरे लिए ओपन चैलेंज है ठीक है। चल चल, जीके
तू वही है ना जो लोगों से उनका सब कुछ छीन लेता है। वो पुराना ट्रेंड था, अब तू मेरे सामने भिखारी की तरह बैठा है और मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया है। ये नया ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज। क्या बात है सर, शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज कर ली, एनीथिंग स्पेशल? जीके की इस बीच जो बेइज्जती हुई है वो कभी नहीं भूलेगा और इसका श्रेय जाता है मेरे बेटे शिवा को। दिस इज फॉर माय सन। चीयर्स। चीयर्स। तुझसे नहीं हो पाया। व्हाट अ लवली पार्टी, पुलिस पार्टी। बानू, मैंने तुमसे कहा था ना, क्या कहा था? असली पुलिस ऑफिसर्स पार्टी में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते, जरा उधर देखो। कोई बात नहीं, सब ये समझेंगे कि आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। क्यों सर, पुलिस स्टेशन से सीधे यहीं? देखा, मैंने बोला था ना मैंने, एक्टिंग करो जैसे थक गए हो। सर सर, आपकी गर्लफ्रेंड कितना लेट आई है। वैसे ये इंडियन ड्रेसेस में इतनी खूबसूरत लगती है, तो फिर आज वेस्टर्न ड्रेस पहन कर क्यों आ रही है? सबकी अपनी अपनी चॉइस है सर, नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे वैजंती, एक बात कहूँ, आज उससे ज्यादा खूबसूरत तो तुम लग रही हो इस साड़ी में। सर आप, मुझे शर्म आ रही है। अटेंशन सर। शिवा, ये ड्रेस तुम्हें कैसी लगी? एक लाइक या कमेंट भी कर सकते हो। मैं सुपर मॉडल्स को लाइक नहीं देता, एवरेज लड़कियों को कहाँ से दूंगा। मतलब ये ड्रेस अच्छी नहीं है क्या? तुम्हारी ड्रेस तो अच्छी है। तो फिर मैं अच्छी नहीं हूँ? रुक जाओ, मैं अच्छी दिखती हूँ या नहीं तुम्हारे डैडी से पूछ लेती हूँ। फंस गए ना सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, प्रेस रिपोर्टर याद आया? वो नित्या मर्डर केस है ना, आपके बेटे के साथ, मैं भी उस पर काम कर रही हूँ। जरूर, क्योंकि शिवा को सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वाइफ के सपोर्ट की जरूरत तो हमेशा हस्बैंड को पड़ती है। कुछ नहीं पापा, वो पुलिस और प्रेस दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह होते हैं, ऐसा कह रही है। एक्चुअली ये पार्टी है ना, तो इसने थोड़ी सी ले रखी है पापा, तो इसे घर छोड़कर आ जाओ। थैंक्स पापा, चलो। ये झूठ कह रहा है। ए जी, अपना एक डायलॉग मारिए ना। पुलिस वालों की आवाज शेर जैसी और पुलिस वाले भगवान जैसे। पुलिस क्या रे? मेरे पति ये भी पुलिस वाले हैं। नकली पुलिस है? नहीं, असली वाले। अगर असली है तो हमारे ऑफिस में कंप्लेंट करने क्यों आया था? वो ये नहीं थे सर, वो कोई और थे सर। कौन? सेंट्रल स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन पूछ रहा हूँ, ये रेलवे स्टेशन बोल रहा है। सेंट्रल स्टेशन के बगल में ही है ना, इसलिए। और वहाँ पे काम क्या करते हैं? बर्तन धोते। आप इन्हीं से पूछिए ना। उन दोनों ने ही प्लान किया है ना, तो उन दोनों को ही जवाब देने दे। कुछ नहीं सर। हाँ जी, मैं भी एसीपी हूँ, मुझे किसी ने बुलाया? हटिए वहाँ से, वहाँ खाना लगाया है, आप जाकर खाना क्यों नहीं खा लेते? एक मिनट, मैं भी आता हूँ। यहाँ से चला गया, नहीं तो हमारे पीछे पड़कर सारी रात जान लेता। मुझे माफ करना शिवा, एक बाप के प्यार के लिए तुम तरसते रहे और मैं अपनी ड्यूटी निभाता रहा। मुझे भी अपने बेटे की बहुत जरूरत थी। शुक्र है तुम मेरे पास हो। थैंक्स बेटा। नहीं पापा, इस ड्यूटी की और इस यूनिफॉर्म की मैंने जिंदगी में कभी कदर नहीं की। सॉरी पापा। थैंक यू सर। ओके जाओ। तो मैं ये कह रहा था। हेलो, आ जाओ, सही टाइम पर आई हूँ। आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज? वो क्या है? कुछ नहीं, बस शिवा की शादी करनी है। बहुत बढ़िया सर, पर लड़की है ना, हमारे एसीपी की बहन। मेरी बहन? एसीपी की बहन क्या करती है सर? एक्चुअली वो जापान में। पापा मुझसे पूछ तो लेते, वो जापान की है, तेरे जैसी दिखती है। सर कुछ और क्वालिटीज है तो बताइए सर। लड़की जापान में एक साइंटिस्ट का काम करती है। साइंटिस्ट है? अश्विन, कैमरा जरा जॉइंट कमिश्नर की तरफ लगाना। इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू? आपकी बहन की शादी होने वाली है ना, तो रिपोर्टर आपकी जान लेगी, वो शूट करेंगे। मैं आज आपके सामने हमारे जॉइंट कमिश्नर के कच्चे चिट्ठे खोलने वाली हूँ। रेलवे स्कैम में हमारे जॉइंट कमिश्नर का बराबर का हाथ है। कैसी रहेगी ये हेडलाइन, अच्छी लगी ना? अरे बेटी, इन्होंने मुझे मजाक करने के लिए कहा था, तुम तो मुझे बदनाम करने पर तुल गई हो। देखो, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तो फिर लड़की कौन है? मैं हूँ। अब अगर तुम एक दूसरे को प्यार करते ही हो तो फिर एक अच्छे से मुहूर्त पे तुम्हारी शादी करवा ही देते। Thank you.
देखिए सर, रामा स्वामी मिस्त्री को बुला के इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि इसमें सीमेंट डाल देंगे, लेकिन जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ सर, इसमें कलरफुल ट्रांसपेरेंट पेपर डाल देंगे ना, तो इन होल्स में से कितना अच्छा डिस्को लाइट्स इफेक्ट आएगा और घर बहुत जगमगाने लगेगा सर। सारा शहर हमें देख कर हंस रहा है, सुनाई नहीं दे रहा उनकी हंसी की आवाज? सुनाई दे रहा है सर, औरत और मर्द साथ में ताली बजाते हुए हंस रहे हैं सर, हंसने के साथ सीटी की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है सर? मैं अपने भाई को बाहर कैसे निकालूं, इस टेंशन में मर जा रहा हूँ, और ये सब छोड़कर तो सीमेंट लगाएगा, पेपर चिपकाएगा, मर जा। उसे छोड़ो जीके, ये बताओ अब हम क्या करेंगे? जब यूथ लीडर अंदर है तो फिर यूथ बाहर चुप कैसे बैठ सकता है? शहर के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कीजिए, पूरा शहर तहस नहस हो जाना चाहिए। जब तक हमारे प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ोगे हम ऐसा ही करेंगे। जब तक हमारा नेता नहीं छूटेगा हम नहीं जाएंगे। वैजंती भाई लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब बंद करो और जाकर ईमानदारी से कॉलेज में स्टडीज कंटिन्यू करो, जीके की बातों में आओगे तो फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। द चॉइस इज योर्स। बिल्कुल सही कहा, अपने फ्यूचर के जिम्मेदार हम हैं। अगर 10 मिनट के अंदर पुलिस ने संजय को नहीं छोड़ा ना तो पूरे शहर में दंगा फैल जाएगा। जीके का भाई अगर बाहर नहीं आया तो सारे स्टूडेंट मिलकर सब कुछ तबाह कर देंगे। मोबाइल टावर के ऊपर से कूद के हम अपनी जान दे देंगे। पुलिस गो बैक, 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 पुलिस। हमें क्यों अरेस्ट किया है आप? आपकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई। आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं सर? हमने ऐसी क्या गलती की जो आप हमें यहाँ ले आए? बताइए सर। कोई आम नागरिक गलती करे तो वो पुलिस की गलती है, स्टूडेंट्स गलती करे तो वो टीचर्स की गलती है, बच्चे गलती करते हैं तो वो माँ बाप की गलती होती है। सारी एफआईआर करने से आप चुप रहिए। हमारे बच्चे बेचारे कॉलेज में पढ़ने गए हैं, आप कह रहे हैं वो गलती कर रहे हैं? अच्छा, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे कॉलेज पढ़ने गए हैं? तो ये देखिए, जीके मेरे बाप की तरह है। तो मैं कौन हूँ तेरा? जब तक जीके का भाई बाहर नहीं आता ना हमें कॉलेज चाहिए और ना ही पढ़ाई। मेरी जान जाए तो जाए, जब तक जीके का भाई बाहर नहीं आता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ब्रिज पर पिकनिक चल रही है, हमारे स्टूडेंट पावर को देखकर लगता है इसने सीआरपीएफ को बुला लिया। अब कोई सीआरपीएफ नहीं आएगी, लड़ी फूल, ये एमआरपीएफ है, मतलब मदर रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स। मम्मी, माय डियर मदर्स, टेक पोजीशन, अटैक। भाई जानती, चलो चल के कैरम खेलते हैं। बहुत दिन हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार आपको हरा नहीं रहूंगी। कॉलेज से नहीं जाएगा, इसे बहुत अभी बता रही हूँ। भाई ठीक है, मेरा बाप है और मेरी माँ भी है, मेरा भी क्या है? ये सब करने के लिए कॉलेज की फीस भरी है मैंने। एग्जाम कितने बजे है? 9 बजे। ओके टेल मी, व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर? टेल मी, हाउ डज द प्रोसेसर वर्क? कुछ नहीं पता ना मुझे। एग्जाम में क्या लिखेगा? ये ड्राई वुड की होता है, वो काला करवा के आएगा। देखो
मामा, फोर्स अभिषेक ने फोर्स किया तो आना पड़ा, और वैसे भी आजकल वायलेंस का कोई फायदा नहीं है, हर मैटर बात करके सॉल्व किया जा सकता है ना। मुझसे बात करनी है। आप ये कह रहे थे कि यूथ को एक साथ करके शहर को तहस नहस कर देंगे। यहाँ ड्यूटी नहीं, कुछ और ही चल रहा है, सीधा कर इसे। वैजंती पुराने जमाने में देवी राक्षसों का विनाश करती थी, लेकिन आज ये माँ अपने बेटे का विनाश करने पर तुली है। All clear, sir. आप सबको थैंक यू वेरी मच। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। हेलो, तेरी तो बैंड बज चुकी होगी जी के, अकल ठिकाने आ गई या कुछ और बाकी है? तेरी हालत देखकर एक कहावत याद आ रही है, आज मरोगे तो कल जियोगे, सुना है तूने? तेरी तो ऐसी इज्जत उतारी है कि तू फिर से जन्म लेगा ही नहीं। सही बोला ना, तेरे पास अब भी 2 दिन का वक्त है। ऑल द बेस्ट। संजय भाई का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। सर, ओटी से ब्रोकर का फोन है सर, मुंह छुपाने के लिए विला बुक करूं क्या? हमारा नेता जी के, हमारा नेता जी के। 801, अभी से सिर्फ हमारी गाड़ी 801 रहेगी। हाँ। जिसे ब्लड डोनेट करना है वो करे। एसीपी शिवा ने 801 का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है। जीके का राज यहाँ नहीं चलेगा, चुपचाप ये जगह खाली कर दो। खाली नहीं किया था, नहीं करेगा तो अंदर डाल दो। मंत्री की कुर्सी तुम्हें दे किसने दी? जीके राजा, ये तो बस तुम्हारी मेहरबानी है। पुलिस ने फिर से जीके के इलीगल कामों पर छापा मारा है। एसीपी शिवा हमारे रियल हीरो। चेन्नई में वन मैन शो, इसका सारा श्रेय एसीपी शिवा को जाता है। जी के राजा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ए, क्या खत्म हो गया? कहा था ना एसीपी शिवा का ट्रांसफर करा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो, वो हम सबको फुटबॉल की गेंद की तरह उछाल उछाल कर मार रहा है, गोल कर रहा है। क्यों जी के? उस दिन जब तुम्हारे भाई ने पुलिस वाले को मारा था, तब मैंने तुमसे आकर कहा था उस दिन ही तुम्हें अपने भाई को जमकर 2 लगाने चाहिए थे, उसे छोड़कर तुमने उस पुलिस वाले को मारा। ए, मैंने तुमसे ये भी बताया था कि तुम्हारा भाई लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी करता है, तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसे 2 थप्पड़ लगाने के बजाय उसे नया फार्म हाउस खरीद कर दे दिया, और बिना सोचे समझे उन्होंने एक लड़की का मर्डर भी कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसने तुम्हारे नीचे एक ऐसा बॉम्ब रखा है कि अब कितना भी कूद फांद कर लो एमपी नहीं बनने वाले। जानते हो तुम्हें सिर्फ लोगों पर गुस्सा दिखाना आता है, लेकिन गुस्सा दिखाकर क्या कर लोगे? उससे लोगों का क्या बिगाड़ लोगे तुम? मुझे तू कहता है, कितनी हिम्मत मुझे धमकी देता है। अपने भाई को मैं बाहर कैसे निकालूंगा ये मैं जानता हूँ, इसे कब उठाना है ये भी अच्छे से जानता हूँ। चलो जल्दी। Hey,
हेलो एसीपी, जो एक गवाह बचा था वो भी फिनिश्ड। द केस इज क्लोज। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाया तो तुम्हारा बाप खुद पीछे पीछे आ गया। हो सके तो अपनी लवर और बाप को एक साथ जिंदा बचा ले। ए! बाप और गर्लफ्रेंड चाहिए तो मेरे भाई को ले आ। लो, तुम्हारा बाप भी आ गया। मूड बिगड़ गया तो तेरे बाप को भी तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा। अब जल्दी आ जा। ये फोन उठाइए पापा। कंट्रोल रूम, कमिश्नर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। उनका फोन नंबर ट्रेस करके जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। कमिश्नर, बहुत दर्द हो रहा है। होना चाहिए। शहर और सेंटर के सारे पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने वाला एक अकेला पॉलिटिशियन तेरे सामने खड़ा है। देख, मुझ जैसे आदमी को तेरे बेटे ने फंसाया। मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है ये अब तक कुछ नहीं पता। तुम्हारा बेटा मुझसे भी बड़ा क्रिमिनल है, पर छोड़ो, अब वो यहाँ आएगा, मेरे भाई को लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ उसका बाप जो है। तेरा भाई तुझे चाहिए ना? हाँ? अब अगर भगवान भी चाहे तो तू उससे नहीं मिल पाएगा। अब जो तू सुनने वाला उसे सुनकर तुझे शॉक लगेगा। जब मेरे बेटे ने मुझे ये बताया, उसे सुनकर ही मुझे शॉक लगा था। अरे, ये तो शिवा है संजय। ए, यार, शिवा, तूने अगर हमें गिरफ्तार किया तो पुलिस स्टेशन लेके चल, कोर्ट में लेके जा। यहाँ सुनसान में क्यों लेके आया? शिवा, ये गलत कर रहा है तू। कुछ याद आया? नहीं, हमें छोड़ दो शिवा। गणेश, ये कौन है? ये शिवा, गन की दी उसे। शिवा, क्या कर रहा है शिवा? नित्या को इन लोगों ने इसी जगह पर मारा था। मार गणेश। तू जैसे कुत्ते को तो बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तुझे जीने का कोई हक नहीं है।
हमारे भाई को उसने मार दिया, वो भी मुझे बिना बताए ही। ये करके उसे बहुत खुशी मिली। अब जरा दिमाग पर जोर देकर सोचो, आज मरोगे तो कल जियोगे ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। आज मरोगे तो कल जियोगे ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। इस तरह तकलीफ में जब तुम मेरे बेटे को पुकारते हो तो मेरे खून में 440 वोल्ट का झटका महसूस होता है। मेरे बेटे को कोई मामूली पुलिस ऑफिसर मत समझना, उसका ना कोई रूल्स है और ना ही उसका कोई रूट। उसको अगर कुछ गलत लगता है तो वो उसे मिटा कर ही दम लेता है। कहा था ना मैंने कि वो सबको हिला कर रख देगा। आजा आजा आजा, खत्म कर दो। किसे ढूंढ रहे हो? गर्लफ्रेंड को? वहां देखो। शिवा प्लीज मुझे बचाओ। शिवा बच्ची है बेचारी, पर मौत किसे पूछ कर आती है? शिवा कन फेंक दे वरना तेरे बाप को ऊपर पहुंचा दूंगा। कम ऑन फेंक। मेरे पापा कहां? मेरा भाई कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? मार दिया साले को मैंने, नीचे डालो। रो और रो अच्छी तरह से रो। तेरे सामने तेरा बाप है लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। आंखों के सामने तेरा प्यार है लेकिन उसे बचा नहीं सकता। प्यार तो क्या तू अपने आप को नहीं बचा सकता? मेरे भाई को धोखे से तूने मार दिया ना, काट दो इसे और पहुंचा दो उस नित्या के पास। मार कर ही मुझे शांति मिलेगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, लेकिन तब तक एकदम साइलेंट।
खड़े कर दो इसके। बच्चों को गलत परवरिश देते हो और फिर उन्हें बचाने की कोशिश करते हो। हाँ सर, हमने चारों तरफ से घेर लिया है। सर, वो हमेशा आई हेट पुलिस कहता था, एक बार उसे कहिए ना आई लव पुलिस कह दे। आई लव पुलिस, आई लव पुलिस, एक बार क्या मैं 100 बार कहने को तैयार हूँ। ए दर्जियल बोला, आई लव पुलिस, आई लव पुलिस, आई हेट क्रिमिनल, आई लव पुलिस, आई लव पुलिस, आई ट्रूली लव पुलिस। अरे पेट्रोल क्यों फेंक रहे हो? ए शिवा, Oh, my God.